आइए जानकारी लेते हैं, समाज सेवी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। आज जो देश की हालात चल रही है उस देश की हालात पे हम बात करते हैं कि आज सारे पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके का एक डर, एक दहशत फैली हुई है और हमारे बीच में है। हम उनसे खुद इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सरदार अमीर सिंह विर्क, प्रेसिडेंट गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल। सर, आजकल जो देश की हालत चल रही है वो बड़ी गंभीर है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देश की ये हालत जो चल रही है, इसका बेसिक जो है वो 23 जून 1947 को बिल पेश हुआ पंजाब और बंगाल का बंटवारे का। जी, सिर्फ इसलिए कि आज़ाद हिंद फौज में पंजाबी और बंगाली थे और मुसलमान थे, आज़ाद नेबर वोट में यही थे, बब्बर मूवमेंट में सिख लोग थे, अकाली मूवमेंट में सिख लोग थे, गदर पार्टी में सिख लोग थे, शहीदान भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, ऊधम सिंह वगैरह सिख थे। तो जब इन लोगों को नेवी रिवॉर्ड के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि आपको हमको जहाँ से जर्नी जल्दी जाना है, तो वो अपने आरएसएस के लोगों को हुकूमत सौंप के भाग गए। इस कंडीशन पर कि पंजाब और बंगाल का बंटवारे के नाम पर ही जनता को माइग्रेट करवा के बर्बाद कर दो, तो उस दिन से आज तक हमारे साथ ये हो रहा है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा सिर्फ हुआ, बाकी किसी देश का बंटवारा नहीं हुआ। मुस्लिम नाम के और सिख के, हिंदू के नाम से बंटवारा हुआ होता तो सारे हिंदुस्तान का बंटवारा होता। सिर्फ पंजाब, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 3 सूबे में का बंटवारा नहीं हुआ। अकेले पंजाब के सिख हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ, बंगाल में भी ऐसे ही हुआ। बंगाल का जो बंटवारा था वो 23 बंगाल और पंजाब का बंटवारा 23 जून 1947 को पेश किया गया जी, जिसमें मुसलमान MLA जो थे पंजाब में 91 थे, 91, और नॉन मुस्लिम 77 थे। बिल गिरा दिया गया, मुसलमानों ने वो बिल गिरा दिया कि हम पंजाब का बंटवारा नहीं होने देंगे। ठीक ऐसे ही बांग्लादेश में भी 128 मुसलमान थे, 98 नॉन मुस्लिम थे, मुसलमानों में MLA ने वो बिल गिरा दिया, बंटवारा नहीं होने दिया जी। आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 1947 को एक कैबिनेट का बिल पास करके देश पंजाब का और बंगाल का बंटवारा कर दिया जी, और 14 अगस्त 1947 को वाले दिन वो लास्ट वाला बिल पेश किया, और उसमें उस क्लास में, उसमें कहीं एक क्लास नहीं है कि जनता को माइग्रेट किया जाए जी। जनता माइग्रेट की, ताकि जनता माइग्रेट को करते हुए रश करके हम लोगों को मरवाया गया। 1 करोड़ के लोग मारे गए आज तक, जो चीज़ें हमसे छीनी गई हमको तो मिली नहीं, पाकिस्तान की जमीनी आज तक हमें मिली नहीं। 71% सिख मर चुके, खत्म हो चुके हैं हिंदुस्तान में 71 सालों में। 1.1% हर साल सिख कम होते हैं, बहुत गंभीर समस्या है। 84 का मुआवजा, हम 1996 मैं जीता हूँ, सिखों को प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, जस्टिस कार्जू का फैसला है जी, 96 का सुप्रीम कोर्ट का, 99 का, उसका आज तक कंप्लेंस नहीं हुआ जी। किसी भी तरीके से, मतलब एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, हर तरफ से हम लोगों को पर ही कहर टहर जाता है। बार बार हम लोगों को बंगालियों और पंजाबियों को मारने के लिए, कभी बांग्लादेश की लड़ाई और कभी पाकिस्तान की लड़ाई, कभी कभी झूठ बोल के पाकिस्तान के लड़ाई के साथ 20-20 किलोमीटर पंजाब को का हरियाणा के बाहर उठा दिया जाता है, क्यों गुजरात और राजस्थान के उठाया जाता जी। सर, देश को आज़ादी हुए 70 साल हो गए, और संविधान की बात करें तो ये लोग जो अभी सत्ता में बैठे हैं वो संविधान को दरकिनारे करके वो अपनी बातों को ही मनवाना चाहते हैं, संविधान को किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं। श्रीमान जी, संविधान ब्रिटिश लॉ से यहाँ लागू है, ये उसको बदल नहीं सकते जी। पावर ट्रांसफर में कंडीशन है कि ब्रिटिश लॉ नहीं बदल सकते। 511 IPC हैं, 511 ही हैं। अगर रेप की 306 इंडिया में है तो वही पाकिस्तान में, वही बांग्लादेश, वही ब्रिटिश में है जी। 302 अगर कत्ल की है इंडिया में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, वही ब्रिटिश में है। संविधान किसी ने नहीं बदला, पता नहीं कौन से लोग कहते हैं संविधान बदला क्या है, और देश की मुख्य धारा की बात करते हैं जी। जो लड़के 20-20, 30-30 साल से बिना केस चला जेल में पड़े हैं जी जी जी, हाँ, जो लड़के जेल से झूठ के आते हैं उनको उठा के मार दिया जाता है, तो ये क्या, ये कहाँ क्या लड़की है, कहाँ सेक्युलरिज्म है? सर, अभी आप एक मिनट, स्टेट ये कहते हैं इंडिया का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया जी, मगर देश की 28 स्टेटों में से 18 स्टेटों पर धारा 370 और 71 है। हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते। यही मोदी महोदय ने 1.5 लाख प्रवास जो सिखों का और उन्होंने हरियाणा के जाटों का बर्बाद किया गुजरात से, वो क्यों किया है 371 पर? ये आप इंडिया का नाम 371 जो नाम है वो यूनियन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया होना चाहिए। जी जी सर, ये भारत के अंदर कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इस तरीके से आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं, और किसान आए दिन अपने आत्महत्याएँ कर रहा है पेट के लिए, उनका फसल के लिए, तो सर ये कब इस देश के अंदर ये व्यवस्था सुधरेगी? मैं कृषि सलाहकार हूँ और मेरी रिट सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कर्जा माफ हुआ रिटू मेरी थी जी। 90,000 सिख सिलसिले के लिए सिख किसान मनों ने खुदकुशी की है। 21,000 90,000 हाँ। इस देश में हर शाख में उल्लू बैठा है, किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं, जो आता है पैसे बटोरता है, यहाँ से भागता है। आपने सही बोला कि पहले विजय माल्या जी चले गए, अब वो नीरव मोदी जी 1100 करोड़ रुपए लेके चले गए, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं ये तो मैं भारत का चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार बनकर काम करूँगा। एक चौकीदार से ही वो लोग निकल के चले गए, क्या सर वो उनसे पैसा वापस आएगा या उनको ये बुलाएंगे? इनकी छप्पन इंच जाति अब यहाँ कहाँ गई है? दावोस में वो साथ था। इनकी 56 जाति जो है वो चौकीदारी वाली कहाँ गई है? तो मोदी के साथ जो मोहम्मद तुगलक के बाद पहला आदमी हुआ 700 साल के बाद जिसने अपने नोट करेंसी बदली है जी, और करेंसी बदलने का जो बैड इफेक्ट अब गरीबों पे हुआ, किसी पे नहीं हुआ। सर इससे पहले और देशों ने भी करेंसी बदली थी, लेकिन वो जो देश हैं वो बिल्कुल गर्त में पहुंच गए, बिल्कुल बेरोजगारी पे आ गए थे। ऐसे ही इंडिया होने जा रहा है क्या? नहीं, मोहम्मद तुगलक के समय ये हुआ था, ये हुआ था ना, क्या हुआ था, ये हुआ था, हम कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम चांद पे घर बनाएंगे, और एक तरफ कहते हैं कि गाय के गोबर को इस्तेमाल करो, गाय के मूत्र को इस्तेमाल करो, एक तरफ इंडिया डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, कैशलेस इंडिया बनाना चाहते हैं। देखो जी, गाय तो एक ही, इनको कोई ना कोई शगुफा चाहिए, शगुफा चाहिए, इशू भी नहीं शगुफा जी जी लव जिहाद तीन तलाक। जब जब टेबल पर हवन की टेबल पर गाय बना के बेसन की उसका कत्ल करके बांट के खाते हैं, और बुद्ध सिंह से पहले गाय खाई जाती थी और इससे पहले हाँ जी अच्छा। और आप ऋग्वेद के पन्ने तक बता दो, पन्ने में पढ़ के देख लो, इंद्र जी और इंद्राणी क्या कह रही है, इंद्र जी को क्या कह रही है, मेरे याज्ञिक लोग जो हैं 15 या 20 बैल मेरे लिए पकाते हैं, मेरे और दोनों मेरी कोखें सोमराग से भर देते हैं जिसे खाकर मैं मोटा होता हूँ।